हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बॉयल्ड एग चीज़ भुजी। नॉर्मल एग भुजी तो हम सभी बना के खाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बॉयल्ड एग चीज़ भुजी बना के खाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है, साथ ही में इसमें इंग्रीडियंट्स भी बहुत कम चाहिए। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और यहाँ पे कुछ तैयारियाँ मैंने पहले ही कर रखी हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, जिसको बिल्कुल बारीक काट लें। साथ ही में ले लें 2 टमाटर, इसे भी बिल्कुल बारीक कट कर लें। और हरी मिर्च ले लें 2 से 3, इसको भी बिल्कुल बारीक कट कर लें। और जैसे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो जाना चाहिए, इतना हमें प्याज को भूनना है। तो प्याज को भूनने देते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमें चाहिए उबले हुए अंडे। यहाँ पे मैंने 4 एग लिए हैं बॉयल, जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में काटना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच लेंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही में डाल देंगे जो हमने टमाटर काटे हैं वो भी डाल देंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मीट मसाला, ये ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला डालेंगे और 1/4 टीस्पून लास्ट में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ध्यान रखें चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसालों को हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लिया है और जो टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब क्रीम। यहाँ पे मैं जो दूध की जो फ्रेश मलाई है उसकी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर से मिक्स करने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बिना ढके पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। तो बिना ढके हमने इसको 2 मिनट तक और पका लिया था और आप देख सकते हैं इसमें क्रीम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे बॉयल्ड एग, जिनको हमने कट करके रखा है, और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे मोज़रेला चीज़, थोड़ा सा बचा के रखेंगे, बाकी सारा चीज़ हम इसमें डाल देंगे। तो चीज़ की क्वांटिटी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब चीज़ ली है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है, अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर, गैस की फ्लेम को यहाँ पे कर देंगे मीडियम टू हाई। बटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। साथ ही में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। और ये लीजिए बॉयल्ड एग चीज़ भुजी बनके रेडी है, आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है। आप इसे पराठे के साथ, पाव के साथ या ब्रेड के साथ खा सकते हैं। और ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है देखने में। तो इस एग भुजी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल एग भुजी से ये वाली भुजी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है और टेस्ट भी इसका डिफरेंट है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे जिससे कि और ज़्यादा ही चीज़ी सा लगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।